हमने जो सनी क्लेम में कोठियां बनाई है, मैं आपको वो दिखाने लेके जा रहा हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? राहुल सोनी दिस साइड। जैसे कि आप मेरे को जानते होंगे, आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग भी देखा होगा, फ्लैट्स वाला। और अभी हमने जो सनी क्लेम में कोठियां बनाई है, मैं आपको वो दिखाने लेके जा रहा हूँ, जो हमने कोठियां वगैरह हम जो सनी क्लेम में बनाते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि ये मैं खड़ा हूँ, ये एयरपोर्ट रोड है। जैसे कि मैं हर वीडियो में एयरपोर्ट रोड की ही बात करता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा प्रॉपर्टी लेने से पहले लोकेशन देखता है। मेन की लोकेशन मैटर करती होती है कि बंदे ने किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी बाय कर रहा है। और मैं बात करूँ इस रोड की, ये वाला रोड सीधा न्यू चंडीगढ़ रोड जा रहा है। ये वाला जो आप रोड वीडियो में देख रहे हो, ये पीछे से आ रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड से, सीधा न्यू चंडीगढ़ जा रहा है ये वाला रोड। इसी रोड के नियर बाय हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हम कोठियाँ वगैरह बनाते हैं। ये वाला पैच बना हुआ है, अभी वर्किंग है। वो वाला पैच आपको दिखाता हूँ जो भी बन रहा है, वो विद इन 5-6 मंथ में कम्प्लीट हो जाएगा। तब प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी बूम करेगी। इस जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बूम कर रही है, वहाँ भी करेगी। तो ये सेम रोड, सेम पैच, सेम बन रहा है सीधा रोड। तो आप बड़ी खुशी होगी आपको कि वहाँ पे अगर प्रॉपर्टी बाय करोगे, उस सेक्टर 123, सेक्टर 124, सेक्टर 125, ये तीन सेक्टर सन्नी के ऐसे सेक्टर है, ये बिल्कुल चंडीगढ़ के पास और ट्राई सिटी में कहीं भी आप यहाँ पे सेक्टर्स में रहते हो, कहीं भी जा सकते हो ट्राई सिटी में। तो बहुत अच्छी अप्रोच है इस सेक्टर की। यहाँ इस सेक्टर से 8B इंडस्ट्री एरिया, 7B, 8B सब नियर बाय पड़ता है। IT कंपनीज, MNC कंपनीज सब नियर बाय पड़ती है। तो मैं आज आपको टूर कराता हूँ, तो चलते हैं। हाय गाइस, व्हाट्स अप। जैसे कि मैंने आपको बात करी थी कि हम जो हम कोठियाँ वगैरह, विलेज वगैरह बना रहे हैं अपने, नियर बाय एयरपोर्ट रोड बना रहे हैं, जो सेक्टर 124 में पड़ता है। सेक्टर 123, सेक्टर 124, सेक्टर 125 के नियर बाय हम प्रॉपर्टीज वगैरह बनाते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है। आपने पूरी ट्राई सिटी के अंदर ऐसी सोसाइटी नहीं देखी होगी, जिसमें हमने 56 विलेज बनाए हैं और 16 से ज़्यादा फैमिली हमारे से शिफ्टेड है अभी ऑलरेडी। तो ये आप देख सकते हो फेस सोसाइटी का, बहुत ही वन टाइप रोटी है। और मैं आपको लेके चलता हूँ 3BHK विलास के अंदर। और अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने जो फ्रंट में एक कार पार्किंग दी है, यहाँ पे आपकी बाइक पार्किंग है। तो यहाँ पे एक गाड़ी आपकी विला के बाहर लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने गैस और गैस की सुविधा दी है। कल को इन फ्यूचर को गैस वगैरह, अंडरवेयरिंग गैस वगैरह आती है, तो आप यहाँ पे सीधा कनेक्शन दे सकते हो, ठीक है। इन्वर्टर वगैरह की सीटिंग यहाँ पे है। और अभी लेके चलता हूँ आपको मैं विलास के अंदर। ये हमने गेट बहुत ही महल जैसे लुक देता है, बहुत ही आलीशान हमने बनाया है। ये आप देख रहे हो, बहुत ही स्पेशियस हमारा ड्राइंग रूम है। और ये हमने फैंसी लाइट्स वगैरह बीच में आपको प्रोवाइड रहेंगी आपको। ये आप ऊपर देख रहे हो डाउन सीलिंग के बीच में ऐसे ऐसी रहेगी आपको। और ये वॉल पेपर हमने अपनी मर्जी का लगवाया है, अगर आप अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हो तो वो भी आपको लगा के दे देंगे। LED पैनल बीच में ये बड़ी इंक्लूडिंग रहेंगी हमारे इस फ्लैट के अंदर। हमारी आ जाती है स्पेशियस किचन, एक किचन ही जो घर की शान होती है जिसे हम बोल सकते हैं। और ये बहुत ही लग्जरी हमने बनाई है, सॉफ्ट क्लोजर है इसके, चिमनी वगैरह आपको बीच में इंक्लूडिंग रहेगी।
बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको हमारा जो बेडरूम हमने बनाया है ग्राउंड फ्लोर पे। अभी गाइस हम आ चुके हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये देख सकते हो ये भी हमने बहुत प्यारा लग्जरी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये हमने कवर्स वगैरह इसमें बीच में आपको इंक्लूडिंग रहेगी। और ये LED पैनल भी आपको बहुत प्यारा सा जो हमने बनाया हुआ दिशा, ये आपके इंक्लूडिंग रहेगी। डाउन सीलिंग फैंसी लाइट्स ये आपको ऐसे ही मिलेगी गाइस। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ वॉशरूम की तरफ। अभी हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम के अंदर और ये भी हमने बहुत स्पेशियस बनाया है, आप देख सकते हो। और कबर्ड प्यारा हमने फुल ऊपर की है, ये देख सकते हो आप। LED पैनल इसमें बीच में इंक्लूडिंग रहेंगे और डाउन सीलिंग आपकी और फैंसी लाइट इंक्लूडिंग रहेगी, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल आपको ऐसी मिलेगी। ये हमारा इस रूम के साथ वॉशरूम अटैच है, आप देख सकते हो बहुत ही हमने प्यारा बनाया हुआ है। ये आपको प्रॉपर प्रॉपर फिटिंग्स वगैरह मिलेंगे, आप देख सकते हो। अभी मैं लेके चलता हूँ 3BHK के जो हमने तीसरा रूम है। ये थर्ड बेडरूम है इसका जो फर्स्ट फ्लोर पे हमने बनाया है, आप देख सकते हो बहुत ही स्पेशियस हमने ये बेडरूम बनाया है। और ये आप देख सकते हो ऊपर प्रॉपर डाउन सीलिंग वगैरह प्रॉपर। और ये हमने फैंसी लाइट आपको बीच में इंक्लूडिंग रहेगी और LED पैनल वगैरह सब कुछ आपको इंक्लूडिंग रहेगी। और ये आप देख सकते हो मिरर वगैरह, एक्चुअली ये आप एज ए गेस्ट यूज कर सकते हो इसको कवर्स वगैरह। ये हमने इस रूम के साथ ये ड्रेसिंग एरिया दिया है, आप देख सकते हो। और ये हमने बहुत ही प्यारा वॉशरूम दिया है इसके साथ, बहुत ही वॉशरूम भी बड़ा स्पेशियस बनाया है और ये वाला रूम भी बहुत स्पेशियस बनाया है। और डाउन सीलिंग आपको ऐसे ही मिलेगी प्रॉपर। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ इसकी लॉबी की तरफ। ये वाला एरिया जो इसको आप एज ए प्रॉपर किचन भी बना सकते हो, आप इसको लॉबी एरिया भी बोल सकते हो आप इसको। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ उसकी छत की तरफ, छत है तो यहाँ पे आप एक रूम और भी डाल सकते हो। यहाँ पे तो हमने 3BHK बनाया, अगर आपने यहाँ पे डबल स्टोरी 4BHK बनाना है तो एक रूम आपका और बन जाएगा। अभी ये पार्क देख रहे हो सोसाइटी में, बहुत ही बड़ा पार्क है और इसमें आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, बच्चे आप खेल सकते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग ने सीटिंग एरिया है और बहुत ही प्यारा हमने ये पार्क बनाया है। हाय गाइस, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा टूर कराया 3BHK विलास का, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।